बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रिकेट विद डॉक्टर अंसारी। बस एक जल्दी से आपसे बहुत अहम बात करनी थी। पिछले कई दिनों से एक अजीब सा माहौल सोशल मीडिया पे क्रिएट हुआ हुआ है, जो हमारे लेजेंड्स ने एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने का काम शुरू किया है। शोएब अख्तर साहब ने अपनी राय का इजहार किया सरफराज की फिटनेस के बारे में, उसके जवाब में लोगों ने उनको काफी आड़े हाथों लिया, और लोगों ने तो लिया ही लिया, लेकिन सबसे ज्यादा उनको आड़े हाथों लिया मोइन खान साहब ने। उन्होंने शोएब अख्तर के ऊपर जुमले कस दिए, उसके जवाब में शोएब अख्तर ने मोइन खान पर जुमले कस दिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे लेजेंड्स, मेरे 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 सुरमाओं, मेरे हीरोज, ये वक्त नहीं है। 22 करोड़ अवाम इस वक्त बैठ करके आपसे फला साहब की बुराई या फला साहब की ज्यादती या फला साहब की गलत बातों को सुनने के लिए नहीं बेचैन। हम बेचैन है कि पाकिस्तान जीते, हम बेचैन है कि वर्ल्ड कप जीते। आपने शोएब अख्तर के साथ क्या किया या शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, ये बातें बाद में करते रहेंगे ना, हमारा तो ये वक्त नहीं है। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मामूली सा तालिब इल्म, मेरे छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी क्या औकात कि मैं शोएब अख्तर या मोइन खान को सही बात बताऊं क्रिकेट के हवाले से। लेकिन मैं मजबूर हूं, आपने मजबूर कर दिया मुझको, क्योंकि 22 करोड़ अवाम इस वक्त आपकी तरफ ये देख रही है, ये 11 लड़के आपकी तरफ रहनुमाई के लिए देख रहे हैं कि फला चीज से तुम जीत जाओगे, फला चीज से तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, ना कि ये कि तुम तो बहुत ही बुरे थे अपने जमाने में, तुम तो टोटली लंगड़े थे, तुम तो अंधे थे, तुम तो बहरे थे। ओ प्यारे भाइयों, ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है करने की, वक्त आएगा करेंगे। हमें पता है शोएब अख्तर से बड़ा बॉलर पाकिस्तान ने शायद प्रोड्यूस ना किया हो, हमें पता है कि मोइन खान कितने अहम खिलाड़ी पाकिस्तान के थे, कितने बड़ा नाम है मोइन खान का पाकिस्तान की क्रिकेट में। हम भूल जाए 92 का सेमीफाइनल, हम भूल जाए 92 का फाइनल, हम भूल जाए उनके दिल की धड़कनों में पाकिस्तान की जीत को, या हम शोएब अख्तर को भूल जाए कि 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद करता न्यूजीलैंड को गया, सैकड़ों मैचेस उसने तने तरह पाकिस्तान को जितवाए। नहीं प्यारे भाई, आप दोनों हमारे लिए काबिले सद एहतराम है, और सैकड़ों और हमारे लेजेंड हमारे लिए काबिले सद एहतराम है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि अपनी डर्टी लॉन्ड्री बाहर आके रोडों पे फेंके आप। इस वक्त हमारे सिपहसालार को, हमारी फौज को, हमारे 11-15 नौजवानों को इंग्लैंड में आपकी जरूरत है, आपकी आपकी आपके मशवरों की जरूरत है, आपकी तरफ से हौसला अफजाई की जरूरत है। आइए आगे बढ़ें और मिलकर के हाथ एक दूसरे का संभालें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और इस टीम को वर्ल्ड कप जितवाएं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।